हम आपको मिलवा रहे हैं मराठी प्रवचनकार शंकर वासुदेव अभ्यंकर से। विद्यावाचस्पति अभ्यंकर श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म आदि विषयों पर पूरे अधिकार के साथ बोलते हैं। वेद दुनिया से विस्तृत बातचीत के दौरान शंकर अभ्यंकर ने हिंदू धर्म, स्वामी विवेकानंद, श्री कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और मनुस्मृति के पुनर्लेखन समेत विभिन्न प्रश्नों पर खुलकर चर्चा की। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै सांगपदक्रमोपनिषदैर् गायन्त्यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। प्रभो नमस्कार। जिस हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में हम सब लोगों ने जन्म लिया है, वो हिंदू धर्म और संस्कृति बहुत विशाल है। उसकी गरिमा, उसकी महत्ता, उसकी कोई सीमा नहीं, वो केवल अतुलनीय है। हमारे पुरखों ने कहा है कि अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम्। छोटे दिल के लोग बोलते हैं कि ये मेरा है वो मेरा नहीं, लेकिन जो महानुभाव होते हैं, बड़े दिल के होते, विशाल हृदय के होते हैं, वे बोलते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, माने कि ये पूरी वसुंधरा, ये धरती माँ एक कुटुंब जैसी है, एक घर जैसी है। अब ये तो जमाना साइंस और टेक्नोलॉजी का है, अभी अभी लोग बोलने लगे हैं कि ग्लोबल विलेज। ये तो संकल्पना सहस्रावधि वर्ष पहले हमारी वर्ष में, हमारी भारत वर्ष में चली आ रही है, वसुधैव कुटुंबकम रूप से। तो ये पूरी धरती माँ, ये पृथ्वी, ये पूरा विश्व एक कुटुंब जैसा है, घर जैसा है। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि अगर ये पूरी विश्व एक घर जैसी है उसकी रचना, तो उसका ड्रॉइंग रूम है अमेरिका, उसमें जो सुंदर वस्तु है शायद हम लोग कह सकते कि स्विट्जरलैंड, उसकी जो उद्यमशीलता है वो चाहे चीन या जापान जैसी है, उस घर का दुकान है यूरोप, लेकिन उसकी पूजा स्थली है, उसका देवघर है अपना भारतवर्ष। घर को घरपन मिलता है तो पूजा स्थली से मिलता है, देवघर से मिलता है। और हिंदू धर्म की विशालता ये है कि हिंदू धर्म की सोच अपने आप ही विश्वात्मक है। लोग नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में बोलते हैं, हिंदू धर्म की गरिमा और विशालता तो देखिए, पूरे विश्व को वो आलिंगन देना चाहता है और विश्वात्मक बातें करता है। केवल बातें नहीं करता, केवल वार्तालाप नहीं करता, हिंदू धर्म का आचरण भी बिल्कुल वैसा ही है। अच्छा, तो हिंदू धर्म किसे कहते हैं? एक तो हिंदू धर्म की व्याख्या करनी चाहिए, पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि हिंदू धर्म की रचना कैसी है, और तीसरी बात यह है कि क्या विशेषताएं हैं कि जिससे हम हिंदू धर्म को अच्छी तरह से समझ सके। अच्छा, तो पहली व्याख्या करते हैं हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म की बहुत सी व्याख्याएं आई है, महाभारत में है, रामायण में है, उपनिषदों में कहा गई है, धर्मशास्त्रों में है, आधुनिक काल में भी बोल दी गई है। तो कुछ व्याख्याओं का हम स्मरण करते हैं। महाभारत बोलते हैं कि धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा। इसका अर्थ यह हो गया कि पूरी सृष्टि को जो धारण करता है, उसका भरण करता है, रक्षण करता है, पोषण करता है, उसे बोलते हैं धर्म। हिंदू धर्म की यह विशालता है, धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा। बहुत सी व्याख्या है, लेकिन हमारे कणाद जी ने, महर्षि कणाद जी ने, जिन्होंने वैशेषिक दर्शन का निर्माण किया, उन्होंने बहुत ही सुंदर व्याख्या की है हिंदू धर्म की। वे बोलते हैं, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि ही सधर्मः। इसका अर्थ ये हो गया कि दोनों ही दो अंग है मानवीय जीवन के, एक तो अभ्युदय है और दूसरा निःश्रेयस है।
जिसकी माध्यम से, जिसकी उपासना से, जिस साधन से हमें दोनों अंगों की प्राप्ति होती है, दोनों का लाभ होता है, उसे बोलते हैं धर्म। अभ्युदय का मतलब है मटेरियल प्रॉस्पेरिटी और निश्रेयस का मतलब है स्पिरिचुअल अटेनमेंट, माने की भौतिक समृद्धता जिस माध्यम से मिले, और इसके अलावा पारमार्थिक साधन और अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष की भी प्राप्ति बने, उसे बोलते हैं धर्म। ये तो बहुत सुंदर व्याख्या हिंदू धर्म की बनाई गई है। अब हम कुछ व्याख्या आधुनिक काल की भी देख सकते हैं, जैसे कि लोकमान्य तिलक जी बहुत बड़े नेता थे संपूर्ण भारत के, इस राष्ट्र के, उन्होंने एक बहुत सुंदर व्याख्या की है। वे बोलते हैं प्रामाण्य बुद्धिर वेदेशु साधनानाम अनेकता, वेदों पर जिसकी श्रद्धा हो, क्योंकि हमारे स्मृति ग्रंथ में लिखा है वेदोखिलो धर्म मूलम, धर्म का मूल है हमारे वेद, चतुर्वेद है। तो तिलक जी भी बोलते हैं वेदों में श्रद्धा होनी चाहिए। साधनों एक साधन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आप किसी भी मार्ग से जा सकते हैं। आप कर्म में श्रद्धा करते हैं तो आप कर्मयोगी है, आपका मन नवनीत जैसा है तो आप भक्ति योगी है, भक्ति मार्ग से आप आगे जा सकते हैं। अगर आप मिस्टिक की तरह है तो ध्यान लगाकर परमेश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, माने कि ध्यान योग से आगे बढ़ सकते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज्ञान है उनके पास पूर्व सुकृत के द्वारे, तो वे लोग ज्ञान मार्ग से, ज्ञान योग से आगे निकल सकते हैं। जिसकी जैसी रुचि हो, जैसी जिसकी भावना हो, जिसका जैसा विश्वास हो, ध्यास हो, आस हो, उसी हिसाब से वो अलग मार्गों से आगे जा सकता है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने बोल दिया था सर्वधर्म परिषद में, रुचि नाम वैचित्र्या त्रिजुकुटिल नाना पथजुषाम, नुणामेको गम्य स्तमसी पयसाम अर्णव एव, माने कि जल के जैसे सभी प्रवाह अंततः सागर को ही मिलते हैं, वैसे ही आप कौन से भी संप्रदाय के हो, कौन से भी धर्म के हो, कौन से भी पंथ के हो, अपना मत कौन सा भी हो, अंततः एक ही चित्त तत्व है। ये अलग अलग पंथ है, अलग अलग मार्ग है, एक ही चित्त तत्व के पास जाएंगे। ये गरिमा हिंदू धर्म की है, वो सबको स्वीकार करती है, बोलती है कि ये अलग अलग मार्ग है, अलग रास्ते हैं, लेकिन अंततः साध्य सबका एक ही है। तो इसे तिलक जी ने बोल दिया है कि ये हमारा हिंदू धर्म है। अच्छा, स्वातंत्र वीर सावरकर जी बोलते हैं असिंधु सिंधु पर्यंतम यस्य भारत भूमिका पुण्य भू पितृश्चैव सवै हिंदू रीति स्मृताः। तो सावरकर जी बोलते हैं कि सुनिए, हिंदू किसे कहा जाता है, आ सिंधु सिंधु पर्यंत, इसका मतलब यह हुआ सिंधु नदी से लेकर हिंदू महासागर तक, इसमें समाये हुए सभी लोग, सभी प्रजाजन, सभी नागरिक जो इस भारत को पुण्य भूमि मानते हैं, पुण्य भूमि मानते हैं, अपनी पितृभूमि मानते हैं, उसे हिंदू कहा जा सकता है। बहुत ही सुंदर व्याख्या है, रामायण महाभारत वेद से लेकर आधुनिक काल तक अनेक विद्वानों ने, अनेक आत्मज्ञानी महापुरुषों ने बनाई। अच्छा, ये हो गई हिंदू धर्म की व्याख्या। अब जरा सोच विचार करते हैं कि हिंदू धर्म की रचना क्या है। जैसे एक टेबल है, उसके चार पांव रहते हैं, बस बिल्कुल उसी तरह हिंदू धर्म के भी चार अधिष्ठान है। पहला, उसे चतुष्क बोलते हैं, चार चतुष्क है। पहला चतुष्क है चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। केवल हिंदू धर्म ही ऐसा है कि जिन्होंने अर्थ और काम को पुरुषार्थ बना दिया है। अर्थ और काम की एक लक्ष्मण रेखा रहती है, उसका अधिष्ठान धर्म रहता है। धर्म माने सदाचारण, धर्म का अर्थ है नीति, धर्म का अर्थ है जीवन मूल्य, धर्म का अर्थ है सद्गुण, धर्म का अर्थ है कि सत्य के सच्चे पथ पर चलना, ये आत्मा है पूरी धर्म की। अर्थ न्याय मार्ग से धन प्राप्त करो और एक अंश राष्ट्र पुरुष को, समाज पुरुष को वापस कर दो। काम जिसे एथिकल कोड बोलते हैं, नीतिमत्ता की एक चौकट रहती है, उसको संभालो। लक्ष्मण रेखा कभी पार मत करना।
और जो भगवान ने सृष्टि में दी है, जो जो वस्तु आपको दी है, आराम से उसका उपभोग आप कर सकते हैं, लेकिन मर्यादा संभाल के। तो अर्थ और काम का अधिष्ठान धर्म होता है और अंततः अंतिम पुरुषार्थ है हिंदू धर्म का मुक्ति यानी मोक्ष। मोक्ष या मुक्ति शब्द मुच्छ धातु से संस्कृत में जो क्रियापद है उससे आया है, उसका मतलब है सॉल्वेशन, सबसे मुक्ति, सबसे परे हो जाना, जन्म मृत्यु का चक्र तोड़ डालना, पुनर्जन्म न होना, इसका अर्थ है एक शाश्वत ब्रह्मानंद में स्वरूप हो जाना, इसे बोलते हैं मुक्ति यानी मोक्ष। धर्म और मोक्ष निवृत्ति के पुरुषार्थ है, अर्थ और काम प्रवृत्ति के पुरुषार्थ है। हिंदू धर्म एक अद्भुत समन्वय है प्रवृत्ति और निवृत्ति का, इति और नेति का, लौकिक और अलौकिक का, भौतिक और पारमार्थिक का। अर्थ और काम ये दोनों पुरुषार्थ भौतिक है और पारमार्थिक पुरुषार्थ धर्म और अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष। अच्छा, दूसरा चतुष्क है मानव जीवन की रचना चार आश्रमों में विभक्त की है। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ और चौथा है सन्यास। ये गृहित है कि मानव का आयुर्मान 100 वर्ष का है। हमारे वेद बोलते हैं जब आशीर्वाद मिलता है तो बोलते हैं जीवेत शरद शतम पश्येम शरद शतम 100 वर्ष जीव। 100 वर्ष आप अपने नेत्रों से देखो सभी ऋतु, कितनी भव्य संकल्पना है, आरोग्य संपन्न रहो बोलते हैं। तो पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, इसका मतलब ये हो गया कि आप अपना शरीर तंदुरुस्त बनाए, धट्टा कट्टा बनाए और सब विद्या प्राप्त करें, जीवन के संघर्ष के लिए अपना मन, अपना शरीर, अपनी आत्मा, अपनी बुद्धि बहुत कणखर बनानी चाहिए, कठोर बनानी चाहिए। तो इसके लिए ब्रह्मचर्य पहला आश्रम है। दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ का मतलब है केवल उपभोग नहीं, उपभोग केवल के उपभोग के लिए गृहस्थ आश्रम नहीं है, लेकिन मानव अपने आयु में अनऋण हो जाता है। ऋण संकल्पना केवल हिंदू धर्म है, अनऋण होना चाहिए इसको, इसलिए गृहस्थ आश्रम की बहुत उपयुक्तता है। तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ। आपने जो ज्ञान मिलाया है उसको आप समाज को दे सकते हैं। कौन से भी क्षेत्र में आपने काम किया, चाहे आप प्राध्यापक अध्यापक रहे होंगे, चाहे इंजीनियर रहे होंगे, चाहे डॉक्टर रहे होंगे, बस निवृत्त हो जाइए और आप किसी धन की अपेक्षा के बिना निरपेक्ष बुद्धि से अपने अपना जो ज्ञान है बांटते चलो पूरे समाज को, 25 वर्ष ये काम करो। और अंततः संन्यास आश्रम में अंतिम लक्ष्य जो है प्रभु की प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति है, निरपेक्ष बुद्धि से उस पर चलते रहो। ये चार आश्रम है हमारे, जिसमें मानवीय आयु की रचना हमारे पुरखों ने बहुत सुंदर रीति से की है। तीसरा जो चतुष्क है उसे बोलते हैं वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। जैसे वर्ण व्यवस्था के बारे में हम बोलने लगते हैं तो लगता है कि ये कुछ भयान भीषण बाब है, ये क्या शूद्र क्या है, ब्राह्मण क्या है, क्षत्रिय वैश्य। बहुत ही सीधी सी बात है कि हमारी समाज रचना, राष्ट्र रचना चार व्यवसाय में बांटी थी। ज्ञान का काम ब्राह्मण करते थे, सत्ता उनके हाथ थी जिन्हें क्षत्रिय बोलते थे, व्यापार धन का आयोग वियोग जिनके हाथ था उन्हें वैश्य बोलते थे, और सभी कला और सेवा शूद्रों के हाथ में थी। अभी शूद्रों के बारे में बहुत बोला है और वर्ण के बारे में बहुत कुछ लिखा है, तो मैं पहले बात ये बोल देना चाहता हूं कि वर्ण का अर्थ है व्यवसाय, वर्ण का जात पात से कोई लेना देना नहीं, आप समझ जाए बिल्कुल इसको। वर्ण माने व्यवसाय, वर्ण मीन्स प्रोफेशन, इट हैज नथिंग टू डू विद द कास्ट एंड क्रीड, बिल्कुल संबंध नहीं है दोनों का। तो जैसे एक टेबल के लिए चार पाव की आवश्यकता होती है, वैसे हिंदू धर्म चार पाव पर खड़ा है, इसके चार पैर है ये जिस पर हिंदू धर्म खड़ा है। प्रत्येक पैर बलवान होना चाहिए, कोई बड़प्पन नहीं किसी में, कुछ किसी में छोटेपन नहीं है। जैसा ब्राह्मण है वैसे ही शूद्र है। हमारे मंदिर देखिए किसने रचना की है, स्थपति माने आर्किटेक्ट अलग थे,
लेकिन इतने भव्य गोपुर, इतने भव्य मंदिर किसने रचे हैं? हमारे शूद्रों ने। उन्हें साष्टांग प्रणिपात है। बहुत बड़े व्यावसायिक है जो धन की निर्मिति करते हैं, जिस पर हमारा राष्ट्र चलता है, उन्हें पुनः पुनः मैं साष्टांग प्रणिपात करता हूं। सो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों प्रकार के वर्ण समान है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। अंतिम जो चतुष्क है उसे बोलते हैं ऋण व्यवस्था। चार ऋण है, एक को बोलते हैं देव ऋण, दूसरे को बोलते हैं ऋषि ऋण, तीसरे को बोलते हैं पितृ ऋण, और चौथे को बोलते हैं मानव ऋण। देव ऋण का अर्थ है ये पूरी सृष्टि एक वैश्विक नियमों में बंधी हुई है। वो कार्य देवों ने किया है। अपना उत्तरदायित्व बनता है कि ये जो कॉस्मिक लॉ है, लॉ बनाया हुआ है, वैश्विक नियमों की रचना है, उसी हिसाब से हम सब लोगों को चलना चाहिए। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जैसे देव ऋण है उसी प्रकार ऋषि ऋण है। ऋषि तो बहुत ही त्यागी थे, स्वार्थ त्यागी थे, निस्वार्थ थे। उन्होंने तो पूरा अपना आयुष्य, अपनी पूरी आयु, पूरी उम्र राष्ट्र के लिए दी थी। हमारा ये उत्तरदायित्व और कर्तव्य बनता है केवल स्वार्थी मत बनो, अपने जीवन का एक हिस्सा समाज को एक रस करने के लिए, राष्ट्र को बलवान करने के लिए अपने आप को देना चाहिए। यह ऋषि संस्कृति का संदेश है। तो दूसरा ऋण बन गया ऋषि ऋण। तीसरा है पितृ ऋण। ये शरीर हमें माता पिता के कारण मिलता है, और हमारे माता पिता हमें कुछ संस्कार देते हैं। अपना ये कर्तव्य बनता है, उत्तरदायित्व बनता है, उन संस्कारों को अधिक समृद्ध करे, श्रीमंत करे, अगली पीढ़ियों का हाथ सौंप दे। ये हमारा कर्तव्य है, इसे बोलते हैं पितृ ऋण। और अंततः जो है उसे बोलते हैं मनुष्य ऋण। मनुष्य ऋण का सीधा साधा अर्थ है मानवता। मनुष्य का व्यवहार मानवता के माध्यम से होना चाहिए। इसीलिए तो जब जीव को कोई अपना स्थान नहीं रहा तो पहला आश्रय उनको किसने दिया है? हमारी भारत माता ने दिया है। पारसी लोगों का मूल स्थान जब छूट गया तो उनको आश्रय किसने दिया है? हमारी भारत माता ने दिया है। इतनी उदारता है हमारी संस्कृति और धर्म में। जो जो आ गया इधर, बस उसका पूरा स्वीकार बड़ी प्यार से हमारी संस्कृति ने और धर्म ने किया है। तो ये चार पैर बन गए, चार पुरुषार्थ, चार आश्रम, चार वर्ण और चार ऋण। अच्छा, अंतिम, अब इसका अंतिम चरण है हिंदू धर्म का, उसकी क्या विशेषता है? पहली विशेषता है ऋत संकल्पना, दूसरी विशेषता है ईश्वरोपासना, तीसरी विशेषता है कालगणना, चौथी विशेषता है हमारी ऋषि संस्कृति, पांचवी हमारी विशेषता है सद्गुरु सच्चिष्य परंपरा, छठी हमारी परंपरा बहुत बड़ी है, हमारी कुटुंब व्यवस्था बिल्कुल आदर्श है। पूरी दुनिया में ऐसी कुटुंब व्यवस्था आपको कहीं जगह भी पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलेगी, इतनी वो आदर्श व्यवस्था है। सातवां हमारा एक विशेषता जो हमारी धर्म की है वो है सगुणोपासना। सगुण अवतार एक बहुत ही विशाल परंपरा इस राष्ट्र में है। आठवां एक बहुत व्यवच्छेद लक्षण है हिंदू धर्म का, उसे बोलते हैं संत परंपरा। नौवां जो है इसे बोलते हैं आचार्य परंपरा। जितना भी कहा जाए वो कम ही है। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि हिंदू धर्म एक ऐसा विशाल वृक्ष है जिसके नीचे कोई भी आ सकता है, बैठ सकता है, उसके वृक्ष के पेड़ के जो मीठे फल है वो खा सकता है, उसकी छाया में आराम से विश्राम भी कर सकता है। हिंदू धर्म किसी को ना नहीं कहता। ये हिंदू धर्म की गरिमा है, महत्ता है और विशालता है, जिसका आचरण पूरी दुनिया करे और विश्व शांति इस पूरी दुनिया में प्रस्थापित करे।